सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धि सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सवसाहुडं। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभो भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिक श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज का अपना जो विषय है वास्तु एक विज्ञान, इस विषय को प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो हमें लगता है कि आपका जानना आवश्यक है। और बात बताने से पहले आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। पूछ लें क्या? पूछ लें पीछे वाले लोग, बोलिए ना, पूछ लें कुछ भी। ठीक है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने आज तक कभी भी भगवान से सॉरी बोला है क्या और थैंक यू किया है क्या? उनका वास्तविक वाला, वो क्षमावाणी वाला नहीं। क्षमावाणी पर करते ना समझ में नहीं आता है कि क्षमा मांग रहे हो कि क्षमा बेच रहे हो। जैसे स्टेशन पर होता चने गरम चने गरम चने गरम, वैसे अभी क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव, समझ में नहीं आ रहा क्षमा मांग रहे कि बेच रहे। हम वास्तविकता वाला पूछ रहे हैं कि क्या आपने आज तक कभी भगवान से सॉरी की है क्या, थैंक यू बोला है क्या? नहीं, शांति पाठ वो अलग चीज है। पहला प्रश्न तो आपके मन में ये आ रहा है कि माता जी भगवान से सॉरी बोलना क्यों है और क्यों थैंक यू करना है उनका। जब ये ही नहीं पता तो क्यों बोलेंगे, है ना? तो थोड़ा सा आपको पहले बताते हैं, उसके बाद विषय पर आते हैं। संसारी प्राणी जो धर्म करता है,
वर्तमान में धर्म कम सौदा ज्यादा करता है। भगवान, अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में अव्वल आएगा तो छत्र चढ़ाऊंगा महावीर जी में आकर के। अगर घर में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो आपका भव्य सिद्ध चक्र विधान करवाऊंगा। अगर व्यापार अच्छा चलेगा तो सम्मित शिखर जी की यात्रा करने आऊंगा। इस प्रकार से यदि काम नहीं हुआ तो आप अपने घर और हम अपने घर। संसारी प्राणी संसार में रह करके जितने भी कार्य करता है, जितने भी कार्य करता है और कार्य में सफल होता है तो सारा की सारा श्रेय किसे देता है? खुद को। किसने कहा? भगवान को देता है, स्वयं को। हमने मेहनत की थी, हम सुबह 3-3 बजे उठे और रात के 12-12 बजे सोए, तब जा करके आज यहां तक पहुंचे हैं। सारी सफलता का श्रेय स्वयं को देता है और सारी की सारी असफलता का श्रेय आपके आपको आपके जीवन में जो भी नहीं मिल पाया तो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। हम भी मंदिर आते हैं, वो तो आता ही नहीं, उसको सब कुछ मिल रहा और हमें तो कुछ दिया नहीं। हे भगवान, आज ही हम अभिषेक पूजन करके आपके दर्शन करके निकले थे और ये क्या हो गया? कोई दुर्घटना घट जाए, कोई अशुभ समाचार मिल जाए तो सारी गलती का, सारी असफलता का श्रेय भगवान को और सारी सफलता का स्वयं को। तो बात समझ में आई? आपको यदि जिनागम को समझना है, जिनवाणी से लाभ लेना है, अपने जीवन में शांति का अनुभव करना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी पहली गलती सुधारनी होगी। पहली गलती कौन सी? आपको भगवान से बोलना पड़ेगा। क्षमा भाव नहीं चलेगा। क्या क्षमा भाव? कुछ शब्दों के माध्यम से आपको भगवान से कहना होगा कि हे भगवान, आज तक मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा अच्छा मिला है, जितनी भी सफलता मुझे मिली है, वो सब आपके ही वजह से मिली है। माना कि आप सिद्धालय में विराजमान हैं, आप रागी द्वेषी नहीं हैं, कर्म आपके पास नहीं है, आप किसी का कुछ बनते या बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन आपकी भक्ति के बिना किसी का कुछ होता भी नहीं है। तो आज हमें जितनी भी सफलताएं मिली या आज हमारे जीवन में जो भी अनुकूलताएं हैं, जो भी अच्छा अच्छा है, उसके लिए आपको थैंक यू। और आज तक मैंने जब भी अपनी गलती का श्रेय आपको दिया हो या आज तक मुझे जो भी असफलताएं मिली हो या आज तक मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त नहीं किया और मैंने कहा हो कि आपकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, आप वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, इतना मामला गड़बड़ चल रहा है, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि शायद मैंने ही सही से नहीं किया हो और मैं जो जीवन में प्राप्त करना चाहता हूं वो जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक ट्राई क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, पुनः कोशिश करूंगा, पुनः कोशिश करूंगा, तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक वो चीज मुझे नहीं मिल जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो आप लोग सॉरी और थैंक यू भगवान को बोल लोगे या फिर हम बुलवा दें? बोलिए ना, आप लोग बोल लोगे तो अच्छी बात है, मंदिर में बोल लीजिएगा, बुलवा दें हम। आपको बोलना है क्या? इतना तीव्र स्वर, सबका एक स्वर में भगवान को सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है। तो चलो फिर दोनों हाथों को जोड़ो, दोनों नेत्रों को बंद करो और जो हम बोलेंगे आपको बस वो रिपीट करना है, ठीक है ना? हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे परमपिता परमात्मा, आज तक
मैंने अपने जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त की हैं, मुझे इस जीवन में जो भी अनुकूलताएं मिलती हैं, वो सब आपकी भक्ति का ही फल है। हे जिनेन्द्र देव, अपनी कृपा दृष्टि, अपना शुभाशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर बनाए रखने के लिए आपको अनंतशः कोटिशः धन्यवाद। नमोस्तु भगवन। हे परम पिता परमात्मा, आप तो जानते हैं ना, हम सभी संसारी प्राणी और मैं कितना नाबोध हूँ, लेकिन हूँ तो आपका बालक। गलती होना स्वाभाविक है। मैंने कषाय के वशीभूत होकर जाने या अनजाने में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से हमेशा अपनी गलती का अपराधी आपको ठहराया है। यद्यपि मैं जानता था कि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है, फिर भी मैंने आप पर कभी भी दोषारोपण किया हो तो हे प्रभु, मुझे आप क्षमा करना। नमोस्तु भगवन। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपके गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, सांसारिक दुखों से बचना चाहता हूँ और आज मैं आपके सामने आपकी प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी में इस बात का प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं उन गुणों को प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक कोशिश करता रहूँगा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ठीक है, चलो। अब थोड़ा हल्का हल्का से फील हो रहा ना, चलो अच्छा है जीवन में, क्योंकि कभी ना जाने और जानकर भी है ना, गलती से मुंह से निकले भगवान ये क्या हो गया है ना। तो आज अपन ने प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी में भगवान से क्षमा याचना भी कर ली और अपनी सारी सफलताओं का श्रेय भी उन्हें दे दिया। शास्त्रों में आचार्य भगवंत लिखा करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सफलताओं का श्रेय बड़ों को दिया करता है, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। एक कहानी सुनी होगी आपने कि मित्रता में जब भी नाम आता है तो संसारी प्राणी कृष्ण और सुदामा का नाम लेता है। बताइए, मित्रता किसने निभाई थी पहले? कृष्ण। अधिकांश लोग कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि
इतने बड़े द्वारिका के राजा होने के बाद भी जब उन्होंने सुना कि उनका गुरुकुल का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है, बिल्कुल गरीब फटे हाल है, फिर भी दौड़े दौड़े गेट तक, द्वार तक लेने के लिए आए, अपने आसन पर बिठाया, अंदर ले जा करके और अश्रुओं से चरण धुलाए। पता नहीं संसारी प्राणी को हर चीज तौलने की आदत क्यों है, अमीरी गरीबी से। किसने कहा कि जिसके पास बाहर वाली संपत्ति कम हो, धन दौलत कम हो, कि वो सही से मित्रता नहीं निभाता या वो सही से धर्म नहीं कर सकता। ये तो हमारे अंदर के गुण हैं जिनका बाहर की संपत्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास व्यवस्था कम हो, संपत्ति कम हो, धन कम हो तो आप धर्म भी ठीक से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज इस कहानी को पहले पूरा सुनते हैं, उसके बाद विषय, ठीक है ना। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। पहले के समय गुरुकुल जंगल के अंदर हुआ करते थे और जंगल के बाहर नगर रहते थे, ताकि गुरुकुल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी नगर में आकर के भिक्षा मांग करके जो भी सामग्री मिलती थी उससे अपना पेट भरते थे। संदीपन ऋषि के गुरुकुल के बाहर जो नगर था, उस नगर में एक वृद्ध दादी जी रहती थी, अम्मा जी, जो भीख मांग करके पेट भरती थी। एक बार ऐसा हुआ, 6 दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आप सभी लोग जानते ना कि सुदामा जी गरीब कैसे हुए, क्योंकि एक दिन जब उनकी गुरु माता यानी संदीपन ऋषि की जो भार्या थी, उन्होंने चने दिए थे, सुदामा जी चने अकेले अकेले खा रहे थे और श्री कृष्ण जी से उन्होंने, बोलिए ना, झूठ बोल दिया कि मेरे तो सर्दी में दांत किटकिटा रहे हैं, इसलिए गरीब हो गए। बात तो सही है लेकिन पूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुदामा जी ने झूठ बोला था, चने उन्होंने अकेले खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने झूठ क्यों बोला था? कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़े करके बता सकते क्या? 2-3-4 लोग पूरी सभा में। तो आज पूरी कहानी सुनते हैं। 6 दिन उन अम्मा जी को कुछ नहीं मिला। 7वें दिन उन्हें एक मुट्ठी चने मिले। शाम का समय हो गया तो अम्मा जी ने सोचा ऐसा करेंगे, कल सुबह प्रातःकाल स्नान वगैरह करने के बाद पहले भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में भोग लगता है उनके भगवान को, और उसके बाद अपन ग्रहण करेंगे। एक पोटली में बांध करके चने रख दिए। रात्रि में उस नगर में चोर चोरी करने के लिए गए, लेकिन वहां की राज सैनिकों की व्यवस्था इतनी ज्यादा सजग थी कि जिसकी वजह से चोर किसी भी घर में चोरी कर ही नहीं पा रहे थे। उदास मन से चोर वापस लौटने लगे तो जंगल के बाहर एक कुटिया दिखाई दी, घास फूस की होती ना झोपड़ी, और वो किसकी थी? उन्हीं अम्मा जी की। चोर उस घर में गए, कुछ भी नहीं था, बर्तन के नाम से टूटे फूटे 2-3 बर्तन होंगे बस। पूरे घर में देखा तो चोरों को मिली वो चने की पोटली, उन्होंने उसी को चुरा लिया। लेकिन
वो पोटली चोरी करते समय वो जो दो तीन बर्तन थे उनसे आवाज हो गई। दादी अम्मा जी जाग गई। जागी जैसे ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजा के सैनिक कुटिया की ओर दौड़े तो चोर लोग जंगल में चले गए। जंगल में किसका आश्रम था? संदीपन ऋषि का। उस कुटिया में जाकर के, जंगल में जाकर के, उस आश्रम में चोर छुप गए। जैन धर्म के हिसाब से वरदान और अभिशाप नहीं होता। यहां तो मूल में आपके कर्म का उदय है, तो ही व्यक्ति या वस्तु निमित्त बनेंगे। यदि कर्म का उदय नहीं है तो संसार के किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में ताकत ही नहीं है कि आपको सुख या दुख दे सके। लेकिन वैदिक संप्रदाय में ये बात चलती है कि वरदान और अभिशाप होता है। सुबह जब अम्मा जी उठी, उन्होंने देखा कि घर में से चने की पोटली गायब है, तो अम्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि कोई बात नहीं, मैं तो भूखी रह जाती लेकिन मेरे ठाकुर जी भी भूखे रह गए। तो अम्मा जी ने श्राप दे दिया। भले ही ये कहानी वैदिक परंपरा की हो, लेकिन हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो जरूर आपको समझ में आएगा। अम्मा जी ने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो अत्यधिक हद से ज्यादा निर्धन हो जाएगा। चोर रात भर उस आश्रम में छुपे रहे और प्रातः काल वहां से चले गए, लेकिन चने की पोटली वहीं भूल गए। सुबह जब गुरु माँ जो उनकी होती हैं, गुरु माता, वो झाड़ू लगा रही थी जब आश्रम में, तो उन्हें वो चने की पोटली मिली। उन्होंने सुदामा को अपने पास बुलाया और कहा कि सुदामा, ये चने लेकर के जाओ और अपने साथ में श्री कृष्ण को भी ले जाना। जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके लेकर के आओ ताकि दोपहर का भोजन बनाया जा सके। वैदिक संप्रदाय में ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले। अपने यहां तो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान चाहिए भैया। तो जैसे ही वो चने की पोटली सुदामा के हाथ में आई, सुदामा कौन थे? ब्राह्मण। वैसे ही उन्हें उन अम्मा जी का श्राप सुनाई दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा निर्धन हो जाएगा। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सुदामा जी ने झूठ बोला, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने झूठ किसी वजह से बोला। ये बात बिल्कुल सही है कि झूठ बोला, चने खाए इसलिए निर्धन हुए, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। वो जब जंगल में पहुंचे तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं तो एक घर मेरे पास है, वो भी छोटा सा। यदि मैं गरीब हो भी जाऊंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण तो एक पूरे नगर के राजा हैं। यदि राजा गरीब होगा तो पूरी प्रजा निर्धन हो जाएगी। इसलिए पहले मित्रता किसने निभाई? सुदामा जी ने। इसलिए सुदामा जी ने झूठ बोला था ना, कि वो ये नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण जी भूखे रहें। श्री कृष्ण जी को भी भूख लगी, वो बार बार कह रहे हैं, सुदामा कुछ है क्या, गुरु माता ने कुछ दिया क्या? तो सुदामा कह रहा, नहीं आज कुछ नहीं दिया। और धीरे धीरे बैठे बैठे एक एक चना खा रहे थे। श्री कृष्ण जी को कट कट की आवाज आई, पूछा ये आवाज कैसी आ रही है? तो क्या बोला? दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा जी निर्धन हो गए और उसके बाद में मित्रता श्री कृष्ण जी ने निभाई थी। कहने का आशय बस हमारा इतना सा है कि संसारी प्राणी के पास पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जिसकी उसे हमेशा जल्दी रहती है। कभी कभी तो हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार आप अपने जीवन में ऐसा कर क्या रहे हो। सुबह सो करके उठते हो, सबसे पहले मोबाइल चेक करते हो, उसके बाद आंखें मलते मलते यहां वहां घूमोगे, टहलोगे, फ्रेश फ्रेश होगे,
कुछ खाओगे पियोगे, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ आने लगी है ना, साथ में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा थोड़ा बार बार खाना पड़ता है। उसके बाद मन करेगा तो 9-10 बजे तक आराम से मंदिर आ जाओगे, फिर घर पर पहुंचोगे, कुछ खाओगे पियोगे, काम से चले जाओगे, फिर बीच में कुछ खाओगे पियोगे, काम करोगे, घर पर आओगे, थोड़ा सा किसी ने एक ही बात को 2-4 बार कह दिया तो फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, नहीं तो कान से उड़ा करके फिर मोबाइल चलाओगे, खाओगे पियोगे और सो जाओगे। लगभग लगभग ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा परिवर्तन, कभी यात्रा करने चले गए, कभी भगवान का अभिषेक कर लिया, साधु संतों का प्रवचन जब कभी सुन लिया, लेकिन अधिकांश लगभग लगभग दिनचर्या ऐसी रहती है। पता नहीं कौन सा काम है, कहाँ जाने की जल्दी है, कभी बात को पूरा समझने का जानने का प्रयास नहीं करते। आपका इतना सारा जीवन निकल गया और आज तक आप हमेशा यही कहते हो कि सुदामा जी निर्धन इसीलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने मित्र से झूठ बोला था, है ना। एक दोहा भी आता है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो लोगों ने इसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया, लोगों को लगता सुदामा जी ने कपट किया अपने मित्र के साथ इसलिए वो निर्धन हो गए, लेकिन उसका वास्तविक रीजन पता चला ना आज। पहले मित्रता सुदामा जी ने निभाई, बाद में श्री कृष्ण जी ने। कहने का आशय बस हमारा इतना सा है, जो वास्तु है वो कोई मिथ्या धारणा नहीं है। हमारी द्वादशांग जिनवाणी के अंदर वास्तु का वर्णन है, हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि में वास्तु का वर्णन है, लेकिन वास्तु कोई भूत या हवा नहीं। हवा समझते, सब समझते, छोटे छोटे बच्चों को इसी नाम से तो डराया है। पता नहीं हम आज तक उस हवा से मिले ही नहीं, बचपन में कुछ भी करे बच्चा हवा आ जाएगा, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो हवा या बाबा जी आ जाएंगे, पता नहीं कौन से बाबा जी से बचपन में बड़े आते थे, तो आजकल हवा बना दिया है। जिस घर में आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी, उनके पिताजी एकदम भले चंगे, बढ़िया स्वास्थ्य, खूब संपत्ति के साथ रह लिया करते थे, बड़ा नाम और करोड़पति हुआ करते थे, उसी घर में आज आप रहते हैं। ऊपर से तो आपने अपनी इमेज को बैलेंस कर रखा है, रुतवा वही कायम है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने कर्जे में हैं, कई बार आपके अलावा आपके परिवारी जन भी नहीं जानते। फिर आप सारा की सारा दोष किस पर लगा देते हैं, घर में ही कोई कमी रही होगी। वास्तु आजकल बहुत हाईलाइट है, वास्तु महत्वपूर्ण है, द्वादशांग जिनवाड़ी में वास्तु आई है, आया है, लेकिन उतना भी नहीं जितना आपने उसे बना दिया है। वास्तु हो, ज्योतिष हो, स्वर विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, अंग शास्त्र हो, अंक गणित हो, भौतिक जो भौगोलिक विज्ञान है, जो सूर्य नक्षत्र वगैरह को देख करके जो गणना की जाती है, ये सब हमारी द्वादशांग जिनवाणी में है, लेकिन इनका फल, इनका प्रभाव एक संसारी प्राणी के जीवन में अधिक से अधिक 20% ओनली। कितना? 20%। बाकी 80% आपका उपादान रहता है। आजकल स्टैंडर्ड के चक्कर में एक बार तो घर बनना मुश्किल है, ऊपर से वास्तु का ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, इतनी तोड़ फोड़ कि जीवन ही टूट फूट बन जाता है, पूरा जीवन निकल जाता, चैन से बैठ ही नहीं पाते। तो वास्तु महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने सब कुछ बिल्कुल डिपेंड हो गए वास्तु के ऊपर। तो हमारे आचार्य भगवंत अंतिम श्रुत केवली भद्रवाहु स्वामी, जिन्होंने वास्तु का मुख्य ग्रंथ लिखा है, कौन सा पढ़ा, तो काफी सारे लोगों ने वास्तु, आप लोग क्या पढ़ते हैं वास्तु में,
वर्तमान की संकलित ग्रंथ। और आप लोगों की एक बात बताएं, वास्तु के हिसाब से जो आपने पढ़ा है, जो आप जानते हैं, तिजोरी किस दिशा में होनी चाहिए? नैऋत्य कोण में, राइट? बोलिए ना, सब जानते। अभी हम कुछ नहीं कह रहे, आप जो जानते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा, सुना और समझा है कि तिजोरी नैऋत्य कोण में होनी चाहिए, राइट ना? बोलिए ना। अब हम आपको एक बात बताते हैं, इस जगह को ले लो, ठीक है? ये ईस्ट वेस्ट, पूर्व ये पश्चिम, ये उत्तर ये दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना नैऋत्य कोण, ठीक है ना? अब आपने तिजोरी ऐसे रखी, ठीक है? अब आप क्या कहोगे कि किसकी तरफ मुख है? पूर्व दिशा की ओर। मुझे बताओ, नैऋत्य कोण की तिजोरी ऐसे है तो मुख पूर्व की ओर है या आग्नेय कोण में? ईमानदारी बताना, अब थोड़ा सोच के। आग्नेय कोण में हुआ ना, ठीक है। फिर आपने तिजोरी किया ऐसे, तिजोरी का मुख नैऋत्य कोण में रखिए, बीच में नहीं है, ठीक है ना? ऐसे मुख किया नैऋत्य कोण में, फिर आपको लगता है उत्तर में हो गया, तो उत्तर में होगा या वायव्य कोण में? बोलिए ना, बात समझ में आ गई? अब ये है ज्ञानचंद वाली बात। प्राचीन शास्त्रों में बिल्कुल सही लिखा है, दक्षिण पश्चिम के कोने में तिजोरी रखना है। दक्षिण पश्चिम में, कोने में, दक्षिण पश्चिम में तिजोरी रखना है। धीरे 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 समय 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 पर जो विद्वान आए, उन्हें लगा दक्षिण पश्चिम में का मतलब है नैऋत्य कोण, और उसके बाद आए आप लोग ग्रस्त, तो आपने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। यदि आपकी तिजोरी का मुख आग्नेय की ओर होगा तो व्यक्ति कर्जे में डूबता है और अधिकांश उसे व्यापार में घाटा या स्वास्थ्य खराब में ही पैसा जाता है। और यदि तिजोरी का मुख वायव्य कोण की तरह होगा तो पैसा टिकता नहीं है और परिवार में विशेष रूप से अशांति रहती है। तो फिर क्यों लिखा कि दक्षिण पश्चिम में तिजोरी होनी चाहिए? तो दक्षिण पश्चिम में का मतलब ट्राइंगल, यानी ऐसे रखो, ताकि ऐसे में उसका मुख होगा ईशान कोण की ओर, और ईशान दिशा होती है कुबेर की दिशा। कुबेर किसका स्वामी? धन संपत्ति। बात समझ में आई? नहीं आई? ट्राइंगल समझ गए ना? अभी नहीं, अभी ऐसे ही समझ लो, ट्राइंगल ऐसे कि उसका मुख ईशान कोण की ओर होगा, कुबेर की दिशा धन संपत्ति की वृद्धि। ये एक सामान्य सी बात है। समय आज का पूर्ण हो चुका है। कल अपन सीधे वास्तु के विषय में दो बातें समझेंगे। पहली बात, सिर्फ पांच चीजें ऐसी होती हैं जिनका मुख्यता से आप अपने घर में ध्यान रखिए, जिनका बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के ऊपर आएगा। सिर्फ पांच चीजें, उसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी जो भी चीजें हैं, आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी लगाना या लटकाना नहीं है। एक छोटा सा उपाय 6 महीने तक मंदिर में आकर के करना है। आपके घर का कोई भी कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, 6 महीने में धीरे धीरे उसका फल कम होता जाएगा। और जब तक गृह स्वामी, जिसने वो काम मंदिर में आकर के किया है, जब तक गृह स्वामी उस घर में रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार के वास्तु का दोष, उसका फल उस परिवार में नहीं आएगा। ज्यादा तोड़फोड़ के चक्कर में ज्यादा लगाना नहीं है अब, ठीक है ना? तो कल अपन दो बातों को समझेंगे। पहली बात, सिर्फ पांच चीजों का ध्यान रखना है वास्तु में विशेष रूप से, और दूसरी बात, बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु के विपरीत प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। एक प्रश्न आया था जो हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइए। अभिषेक करते समय बहुत से श्रावक पांडुशिला पर यंत्र विराजमान करते हैं, यंत्र विराजमान करने चाहिए या नहीं? यंत्र किस चीज का प्रतीक है, पहले ये बताओ। विराजमान का आंसर तो बाद में आपको अपने आप मिल जाएगा। यंत्र, यंत्र जिनवाणी का प्रतीक होते हैं। आप कागज का अभिषेक कर सकते हैं, देवशास्त्र गुरु
तीनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। गुरु का पाद प्रक्षालन करते कि नहीं करते, बोलिए ना, करते हैं। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते कि नहीं करते, फिर जिनवाणी का रह जाएगा तो क्रिया आधी अधूरी होगी कि नहीं होगी, बोलिए ना। आप कहते ना आप अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार हो, तो ध्यान दो, थोड़ा सा पीछे जाओ तो आपके पूर्वज जब भी प्रतिमा को विराजमान करते थे तो साथ में यंत्र जी भी विराजमान करते थे, क्योंकि यंत्र जिनवाणी का प्रतीक होते हैं। तो विनायक यंत्र वगैरह जो होते हैं, सिद्ध यंत्र वगैरह जो होते हैं, वो पांडुशिला पर विराजमान कर सकते हैं, और नहीं चाहो तो नहीं भी करो, फिर आपका वो जिनवाणी वाला अभिषेक हमेशा कम रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, ना तो यंत्र को पूरा लिटाना है और ना उसका मुख भगवान की ओर करना। जैसे भगवान का मुख सामने की ओर होता है, वैसे यंत्र का मुख सामने की ओर, भगवान के चरणों के नीचे जो पीठिका होती है ना, जिस पर प्रशस्ति लिखते हैं, उससे टिका करके यंत्र को रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, यंत्र जिनवाणी का प्रतीक है। जिनवाणी का अभिषेक नहीं कर पाते, लेकिन चाहते हैं कि जितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पुण्य आता रहे उतने अच्छी बात है, इसलिए यंत्र की स्थापना पांडुशिला में करते हैं। एक श्रावक श्रेष्ठ, या कहूँ एक छोटे से बच्चे ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया अपने पिताजी से कि पापा पापा, माता जी कहती हैं कि मंदिर जब भी जाओ तो निस्सही बोलो, क्योंकि देव लोग रहते हैं, क्या देवों के भवन में, उनके स्वर्गों में मंदिर नहीं है क्या? उनके पास तो एक से एक बढ़िया मंदिर, और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमा होती है, फिर वो हमारे मंदिर में दर्शन करने क्यों आते हैं, जानते हैं आप लोग? क्योंकि देव लोग संयम धारण नहीं कर सकते। देव लोग जानते हैं कि उन्हें रोज भोजन नहीं करना। कोई देव एक दिन में, कोई तीन दिन में, कोई एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, 1000 साल में एक बार भोजन करते हैं, फिर भी उन्हें 1000 वर्ष के उपवास का फल नहीं मिलता। तो देव लोग किससे पुण्य का अर्जन करते हैं? अपने पुण्य से। उनका पुण्य है कि उन्हें देवगति मिली, और देवगति में विक्रिया रिद्धि, और विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अनेक रूप बना सकते हैं। तो एक बार भगवान के दर्शन करने से जब असंख्यात असंख्यात कर्म झड़ जाते हैं, अनंत अनंत पुण्य का अर्जन होता है। तो कल्पना करो, एक देव हजारों रूप बना करके हजारों मंदिरों में एक साथ दर्शन करेगा, तो कितने असीमित पुण्य का अर्जन। तो आप तो मनुष्य हो, आप संयम के माध्यम से अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेती हो। देवों के पास भक्ति के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं होता, लेकिन वो अपने अनेक रूप बना सकते हैं, इसलिए अपने भवनों में भी दर्शन करते हैं, अकृत्रिम जिन मंदिरों के भी दर्शन करते हैं, और आपके यहाँ आकर के कृत्रिम मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। आज समय पूरा हुआ। जय बोलिए परम श्रद्धेय गरणी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य पांच आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। गाएंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम 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 हम अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम मरे हम मरे हम अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम मरे हम मरे हम अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम अरे हम मरे हम मरे हम मरे हम मरे हम अकायरो परिमो बोधो रिफो विश्व
कायरो नंतवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम हरिहं 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 हरिहं। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा जिनवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वाति से विशोख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतिति वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। नौ बार रमोकार। चलिएगा करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण करी क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रूम अर्हम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय अभीष्ण संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अभीष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरोपामिति। आई माता जी समस्त महानुभाव ध्यान रखें।